अभी जी बीच रास्ते में रुक गए हैं, एक टी गार्डन है यहाँ पर। तो यहाँ से कुछ ऐसा नजारा है इस डैम का, देख सकते हैं। ओ भाई साहब क्या मस्त लग रहा है। तो हम लोग दूसरे स्टेट में आ गए, चलो एक और स्टेट हो गया घूमना हमारा। यहाँ हम लोगों को बहुत ठंड लग रही है, ऊपर क्या पता क्या हाल हो, तो उतने की एक ले ही लिया जाए। तो क्रियांस के लिए भी एक जैकेट ले रहे हैं, हमें लग रहा है कि यह काफी नहीं है क्रियांस के लिए। तो और क्रियांस अपना टोपी बार बार खोल देता है, तो इसलिए इसके लिए मंकी कैप ले लिया हमने। भाई साहब आंधी है, लग रहा है उड़ा लेगा हम लोग को। तो हम लोग आ गए जी व्यू पॉइंट के पास में, अंदर आपको दिखाते हैं। अलग अलग वैरायटी का टी सब है यहाँ पर, बिल्कुल फर्स्ट टाइम होम स्टे का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं भी आपको दिखाऊंगी तो फिर आपको समझ। तो हमने होटल से चेकआउट कर दिया है जी, अब चलते हैं यहाँ से किसी अलग स्पॉट। अभी तक हमें पता नहीं कि हम लोगों को कहाँ जाना है, देखते हैं कहाँ पर जाना है। वैसे दो तरह का विचार आ रहा है, एक है कि माटोपट्टी डैम वाला जो रूट है उधर साइट सींग सारा कर लें, और एक दूसरा आ रहा है अथीरापल्ली वाटरफॉल। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो दोनों जगह अलग अलग स्टे करना होगा। तो देखते हैं कैसा रहता है। बाकी उधर जिया क्रियांश सभी लोग आ रहे हैं, पीछे गाड़ी भी आ चुकी है, चलते हैं। बैठो आराम से, सड़ने लगे लगा दें। चलो तो हम लोग होटल से चेकआउट कर गए हैं और बीच रास्ते में रुक गए हैं और लेने के लिए क्रियांश का सोच रहे हैं कैप ले ले, सॉक्स ले ले, क्योंकि मुन्नार में भी सुना है कि वहाँ पर ठंड रहेगा, तो इसलिए ले लेते हैं, सेफ्टी के साथ ही चलने में सही रहेगा। तो सॉक्स तो ले लिया जी, इसका कैप भी ले लिया, चलते हैं। भूख तो लगी है लेकिन अभी खाना नहीं खाएंगे क्योंकि क्रियांश अभी सोया हुआ है, तो एक घंटा के करीब जो है चलेंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे। अभी जी बीच रास्ते में रुक गए हैं, एक टी गार्डन है यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं आप पीछे हमारे। तो यहाँ पर रुक करके थोड़ा सा जो है व्यू ले रहे हैं जी, और क्रियांश जो है गाड़ी के अंदर है क्योंकि क्रियांश जो है सो रहा है। क्रियांश को नहीं चाहते कि डिस्टर्ब करे, क्रियांश को अभी प्रॉपर सोने देते हैं जब तक वो सोना चाहता है, फिर उसके बाद। फिलहाल जो है आप यहाँ का व्यू देखिए, ये देखिए ऐसा है। और अभी तक कुछ देर पहले जो है अच्छी खासी धूप थी, और अब जो है माहौल कुछ ऐसा होने जा रहा है। तो हम लोग एक जगह रुक गए हैं क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा पीना है चाय, गला भी थोड़ा सा जो हमारा भारी हो गया है क्योंकि स्विमिंग पूल में हम इतना नहाए, इतना नहाए। हाँ होए होए, तो यहाँ पर चाय आएगा और खाना हम लोग खाएंगे बाहर में जा करके। तो हम लोग खाना चाहते हैं प्योर वेज, तो उधर मिल जाएगा। तो जब तक उधर चाय बन रहा है तब तक मैं आपको इधर का भी कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, देख सकते हैं। उसे यहाँ क्या कहे जी व्यू की बात, जिस जगह देखो उधर ही व्यू मिलता है, उधर ही एक अच्छा नज़ारा मिल जाता है। पापा क्या पी रहे हैं क्रियांश? ताई। पापा क्या पी रहे हैं? हाँ इस बात में करना, पापा क्या पी रहे हैं बताओ? कह रहे ताई ताई, कब देख के तब से बोल रहा है ताई। पापा क्या पी रहे हैं? हम लोग रुके हैं जी यहाँ पर खाने के लिए, और हम लोगों ने खोजा था कि प्योर वेज रेस्टोरेंट मिल जाए यहाँ पर, तो यह मिल गया, होटल सरवना भवन। इसका एक ब्रांच शायद पता नहीं इसी का ब्रांच है कि कॉनॉट प्लेस में भी सरवना भवन है जहाँ पर साउथ इंडियन डिशेस मिलता है, तो शायद हो सकता है ये वही हो, पता नहीं, अंदर चल करके पता चलेगा। तो बाकी चलते हैं अंदर। तो हम लोग आ गए हैं जी माटोपट्टी डैम के पास, और यहाँ बारिश हो रही है बहुत तेज। सोचे थे कि यहाँ जो डैम है इसका हम ड्रोन शॉट लेंगे, लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही है कि ये ड्रोन उड़ाना इस पर रिस्की लग रहा है। और क्रियांश अपना टोपी बार बार खोल रहा है जो कि नहीं खोलना चाहिए क्योंकि बिल्कुल ठंड है, वही डर लग रहा है। चलो पीछे का व्यू एक बार दिखा देते हैं। तो यहाँ से कुछ ऐसा नजारा है इस डैम का, देख सकते हैं। ओ भाई साहब क्या मस्त लग रहा है, जूम करके दिखाता मैं आपको। यहाँ से अभी दूसरे साइड, तो यहाँ पर देख सकते हैं जी इस डैम को, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। और ये देखिए जी कुछ ऐसा भी हुआ है यहाँ से जी, और क्रियांश वह छाता लेकर के खड़े है। ओए क्रियांश, हे क्रियांश, ये भी पकड़ा है, तुम चलेगा छाता लेके? चलो कोई बात नहीं, चलो तुम ठीक है।
बारिश देखता हूँ कि थोड़ा सा कम हुआ है, तो मैं ड्रोन लेकर के आ गया, तो ड्रोन उड़ाएंगे यहाँ पर। और अभी कुछ देर पहले जो है यहाँ पर धूप थी, तो ऐसा ही चल रहा है, पलक झपकते ही धूप, पलक झपकते ही छाव, पलक झपकते ही बारिश। और आसपास दुकान सब भी है, सुविनर सबका है, तो अगर आप लेना चाहते हैं कुछ यहाँ से, कुछ चाहते हैं कि कुछ मेमोरेबल चीज हो यहाँ से ले सकते हैं, अच्छा खासा मार्केट है इधर, तो चलते हैं वहाँ। क्रियांश और जिया जो है एक सेट पर बैठ गए हैं, तो उनको कोई दिक्कत है नहीं, और हम ये छाता लेकर के आ गए। तो हम लोग ये घूमते फिरते आ गए हैं, यहाँ का एक और व्यू पॉइंट है जिसका नाम है टॉप स्टेशन। और यह जो एरिया है, यह एरिया पड़ता है तमिलनाडु में, या केरला का नहीं है। अच्छा हाँ, तो हम लोग दूसरे स्टेट में आ गए, चलो एक और स्टेट हो गया घूमना हमारा। हाँ। तो आगे चलते हैं, सुना है कि यहाँ पर शायद एंट्री टिकट लेना होता है, कितने का क्या पड़ता है, चलते हैं आगे आपको बताते हैं। यहाँ हम लोगों को बहुत ठंड लग रही है, ऊपर क्या पता क्या हाल हो, सोच रहे कि एक ले ही लिया जाए, ये ट्रैक से टाइप करेगा अच्छा रहेगा। हाउ मच फॉर दिस? थैंक यू। ओके तो हमने ले लिया है एक जैकेट, और क्रियांश को पहले से स्वेटर पहना रखा है हमने, और उधर जिया ने भी पहन लिया है क्योंकि यहाँ पर ठंड लगने लगी थी, और सभी लोग को देख रहे थे यहाँ पर स्वेटर पहन करके आ रहे थे, कुछ लोग हाफ टी शर्ट में भी हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे, लेकिन जो भी लोकल है यहाँ के, जितने भी मैं देख रहा हूँ शॉप पर है सभी लोग, जिनका भी रेडी है, तो सभी लोग लेकिन पहने हुए एकदम गर्म कपड़ा। मैं तो ढूंढ रही हूँ क्रियांश का मंकी कैप, अगर मंकी कैप मिल गया तो मैं उसको मंकी कैप पहनाऊंगी। अच्छा, ठीक है, निकाल के फेंक। बिल्कुल बिल्कुल। क्रियांश के लिए भी एक जैकेट ले रहे हैं, हमें लग रहा है कि यह काफी नहीं है क्रियांश के लिए, तो एक जैकेट यहाँ से ले रहे हैं, 500 का मिला है, सभी का 500 का हो गया, तुम्हारा मेरा क्रियांश सभी का। तो और क्रियांश अपना टोपी बार बार खोल देता है, तो इसलिए इसके लिए मंकी कैप ले लिया हमने। ओए होए क्रियांश, वो पहना दो जैकेट, वो देख लो एक बार। आपा क्रियांश, आपा भाई साहब आंधी है लग रहा है, उड़ा लेगा हम लोग को। ये देखिए नजारा यार, व्यू देखिए उधर का भाई साहब, धूप है तो और भी जबरदस्त लग रहा है यहाँ पर, और बाकी बहुत सारी दुकान सब है यहाँ पर। तो हम लोग आ गए हैं जी व्यू पॉइंट के पास में, तो यहाँ से जो है टिकट लेना होगा, 20 रुपीज पर हेड। एंड तुम्हारे पास चेंज? हाँ है। ले लो, तो कुछ पैसे उधार दे दो हमें। दे तो यहाँ से 20 रुपये का आपको एंट्री टिकट लेना होगा, तो दो लोगों के लिए ले लिया हमने, और अब चलते हैं यहाँ से ऊपर। नजारा कुछ ऐसा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत तेज हवा। और क्रियांश को पूरा पैक कर दिया हमने, क्रियांश लेना जा रहा है इस कैप को। और ये देख सकते हैं जी व्यू इधर से, और एक नज़ारा मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं जी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं किसी और पॉइंट पे, बहुत अलग अलग जगह जो है व्यू पॉइंट है, एक ऊपर देखा, फिर उसके बाद नीचे देखा, फिर एक और देख रहा हूँ, और इसके अलावा और एक देख रहा हूँ, वह है पेड एंट्री, वहाँ 25 रुपये आपको चार्ज लगेगा, और चल चल करके जो है पूरा उसमें नीचे है, क्योंकि हम लोग नहीं चलना चाहते हैं उतना दूर बच्चे को लेकर के। तो हम लोग जो है यहाँ पर अच्छा खासा घूम लिए, और अच्छा खासा यहाँ पर समय बिता लिए, काफी अच्छा लग रहा है जी, एकदम देख रहे हैं ना कितना ऊंचा पहाड़ है, आपको ये कैमरा से नजर नहीं आ रहा होगा, कैमरा से आपको शायद उतना फील नहीं हो रहा होगा कि कितना ऊंचा है, लेकिन जो हम लोग यहाँ सामने से देख रहे हैं जी, बहुत ऊंचा है यह, और यहाँ कितना फीट होगा, जिनको भी पता है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा, हमें तो नहीं पता, बाकी जो लोग भी इधर आ चुके हैं, आप लोग को कैसा लगा था, हमें तो जबरदस्त लगा। तो हम लोग थोड़ा सा स्टॉपेज ले लिए हैं जी, अब यहाँ से सीधा हम लोग को जाना है होटल ही, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चाय पियेंगे, और पीछे देख सकते हैं कि पीछे जो है पेट्रोल पंप भी है, और इधर चाय का दुकान सब भी है, चाय पत्ती सब भी ले सकते हैं आप। तो हमें चाय पत्ती तो अभी नहीं लेना फिलहाल, हम लोगों को यहाँ चाय पीना है, चाय पियेंगे थोड़ा फ्रेश होगा मन, चलते हैं। यहाँ जो शॉप आए हुए जी, यहाँ भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत से लोकेशन पर, और कितना अच्छे से लग रहा है यार, आगे चलते हैं अंदर, अंदर आपको दिखाते हैं, अलग अलग वैरायटी का टी सब है यहाँ पर, तो मुझे कुछ कुछ तो पसंद आ रहा है,
लेकिन लिया जाए कि नहीं लिया जाए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है। जैसे मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, यह है आइस्ड ब्लैक टी। ओके, मुझको तो अच्छा लगता है आइस टी, लेकिन कैसा लगेगा यह ब्लैक टी, और ये है ग्रीन टी की फ्लेवर में। ये है पाउडर फॉर्म में, और ऊपर में जो है आपको यहाँ लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। आइस्ड ग्रीन टी ये आपको लिक्विड फॉर्म में, और ब्लैक टी का भी है लिक्विड फॉर्म, जो कि आपको दिखाता हूँ। ये है तरह तरह का यहाँ पर है चाय पत्ती, लेकिन कौन सा लेना चाहिए पता नहीं चल रहा है हमें। ग्रीन टी सब तो बहुत है, तो ग्रीन टी मुझसे पिया नहीं जाता है, तो ग्रीन टी तो नहीं लेंगे। कॉफी भी है, लेकिन कॉफी एक बार ले गए थे हम लोग विशाखापट्टनम से, वो अच्छा नहीं लगा था, तो डर लग रहा है कि इस बार भी कॉफी सही रहेगा कि नहीं। क्या किया जाए, लेगी कॉफी नहीं लेगी। हाँ, ये सब चीज ले सकती है, चॉकलेट सब है यहाँ पर, एक पैकेट ले लो। Two hours later. तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं जी एक रूम में, जो कि है होम स्टे। हम लोगों ने होम स्टे लिया है, फर्स्ट टाइम लिया है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम होम स्टे का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। इतना अच्छा एक्सपीरियंस है ना, मैं भी आपको दिखाऊंगी तो फिर आपको समझ। बिल्कुल, तो इसका टूर आपको करवा देते हैं जी। तो बात क्या है जी, हम लोग सोचे कि थोड़ा सा जो है लग्जरी भी देख ले, और उसके बाद जो है अपना बजट भी देख ले। तो एक दिन जो है थोड़ा सा एक लग्जरी रिसोर्ट में चले गए, और वहाँ का पूरा माहौल सब देख लिया, सब कुछ अच्छे से देख लिया। और आपने अगर उस ब्लॉग को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, उसका जो लिंक है हम डाल देंगे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देखिएगा। वो रिसोर्ट भी काफी अच्छा था। फिर उसके बाद जो है अब हमें जो है एक्सप्लोर करना है। एक दिन लग्जरी हो गया, अब ज्यादा मनी जो है ट्रेवलिंग में खर्च होगा, और स्टे में जो है ज्यादा खर्च नहीं करता है। अब हम जो है चलेंगे मिनिमम बजट लेकर के चलेंगे, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा घूम सके और अच्छे से हम लोग एंजॉय कर सके। तो अभी हम आपको इसका टूर कराते हैं। तो देख सकते हैं जी यहाँ एक रूम, और मैं यहाँ बाहर से स्टार्ट करता हूँ इसका, ठीक है। अभी तो जी यहाँ ने सब कुछ फैला रखा है इसके ऊपर, अभी सब कुछ फैला हुआ है। ये है बालकनी एरिया, ठीक है, बालकनी, और यहाँ पर पार्किंग का इलाका है। ये घर है, जैसा कि नाम ही है होम स्टे, तो नीचे में फैमिली रहती है, ऊपर में दो रूम है, और दो रूम साइड में है। बाहर वाला भी दिखा देंगे, ठीक है। तो आते हैं यहाँ से अंदर एक बार, और जैसे ही अंदर आते हैं देख सकते हैं यह है बेड, जो कि एक डिसेंट साइज है, दो लोगों के लिए मुझे लगता है काफी है यार, हम तीन सो जाएंगे इस पे। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये देख सकते हैं जी एक साथ में दिया हुआ है यह सामान रखने के लिए, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, हमारे काम का है। बिल्कुल, एक रात ही गुजारना है ना। रात में हम लोग आए हैं लगभग 8 बजे के करीब, और सुबह हम लोग 8 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तो उसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करना होटल में मुझे जो है वर्थ नहीं लग रहा था। और इसमें एसी नहीं है, तो एसी का यहाँ पर मुन्नार में जरूरत भी नहीं है। एक दिन हम लोग जैकेट पहन के घूमे, बिल्कुल एक दिन हम लोग एसी में रह चुके हैं, और एसी बिल्कुल नहीं चला वहाँ पर, तो एसी का तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बहुत लोग जो है एसी होटल देख करके ही जो है मुन्नार में लेते हैं। तो जी एसी मत देखिए मुन्नार में, एसी का कोई फायदा नहीं, आप अपने जो है पैसे बचा लीजिए जी। आप बस एक चीज ध्यान देना, यहाँ गैप है, ठीक है, गैप में इसका पैर नहीं चल जाए, ठीक है। तो यहाँ रहा जी बेड, और यहाँ रहा जी आपको दिखा दिया सामान रखने का, यहाँ भी दिया हुआ है ड्रॉ सब दिया हुआ है, नीचे भी कैबिनेट दिया हुआ है, इसमें भी बहुत सारा सामान आ जाएगा। और ये है सामने, इसमें अपना खाना खा भी सकते हैं, और साथ में यहाँ वॉशरूम, ठीक है, ये देख सकते हैं वॉशरूम। देख रहा हूँ कि इसकी सफाई जो है बहुत ही अच्छे से की गई है, और बिल्कुल एकदम मेंटेन है। ये चल गया, साथ में उधर का एग्जॉस्ट फैन भी चल गया, तो आवाज आ रहा है, बंद कर देते हैं। और यहाँ पर एक वॉश बेसिन भी दिया हुआ है हाथ सब धोने के लिए। तो सही है जी, कम जगह में ज्यादा इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका ज्यादा यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, वो सब हमने देख लिया है। और क्रियांश अपना इधर भगदड़ मचा रहा है, ठीक है। अब हमको लगी है बहुत ही तेज भूख, तो पहले जो है थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, और उसके बाद जो है थोड़ा चेहरा वेहरा धो लेते हैं एकदम अच्छे से। नहा तो सकते हैं नहीं यहाँ पर, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। मन तो कर रहा है हमको नहाने का भी एक बार, की और अच्छे से हो जाएंगे फ्रेश। और बाकी यहाँ पर जो है गर्म दूध सबका भी इंतजाम जो है अंकल जी ने कर दिया है, तो धन्यवाद अंकल जी। और उसके बाद ना कुछ नहीं, हम क्रियांश के दूध का वेट कर रहे हैं, क्रियांश को खाना खिलाएंगे। हाँ भाई, क्रियांश के दूध का भी इंतजाम हो गया है। अभी तो हम लोगों को पैकेज्ड वाला ही दूध मिलेगा, जो कि सही नहीं होता है, लेकिन क्या करे जी, मजबूरी है अभी इस समय। और सुबह में जो है तो लोकल डेयरी का मिल्क होता है, वह मिल जाएगा, तो वह अच्छा रहेगा। क्रियांश दिया देखो उधर भाग रहा है।